नमस्कार दोस्तों, गौर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमारा मध्य प्रदेश का बजट पेश किया गया है और हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश बजट 2023 के बारे में ही चर्चा करेंगे कि कुल बजट कितना है, कौन कौन सी योजनाएं शुरू की जाएंगी, किस क्षेत्र में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप मध्य प्रदेश करंट अफेयर की जनवरी से दिसंबर 2022 की कंप्लीट पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2022 की कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी और मध्य प्रदेश करंट अफेयर की 1000 एमसीक्यू की पीडीएफ भी मिलने वाली है। इसके साथ ही आपको जनवरी 2023 की कंप्लीट पीडीएफ और फरवरी 2023 की कंप्लीट पीडीएफ भी मिलेगी। और इन चारों ही पीडीएफ का प्राइस हमने 50 रुपए रखा है, लेकिन अभी आपको इस पर 50% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो ये चारों ही पीडीएफ आप सिर्फ 25 रुपए में ले सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो 27 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश का बजट सत्र शुरू हुआ है और यह मध्य प्रदेश का 15वीं विधानसभा का 5वां बजट सत्र है। जो यह बजट सत्र है, यह राज्यपाल श्री मांगू भाई पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। और बजट को पेश किसने किया है, तो यह मध्य प्रदेश के जो वित्त विभाग मंत्री हैं श्री जगदीश देवड़ा, इन्होंने बजट पेश किया है। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश का जो बजट था, यह 2,79,697 करोड़ रुपए का था, जो कि अब 2023-24 में बढ़कर 3,14,025 करोड़ रुपए का हो गया है। और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2022-23 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार 16.43% की वृद्धि हुई है। और देश के सकल घरेलू उत्पाद में मध्य प्रदेश का जो योगदान है, यह पहले 3.6% था, जो कि अब बढ़कर 4.8% हो चुका है। और मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, ये 2011-12 में 30,497 रुपए थी, जो कि अब 22-23 में बढ़कर 1,40,582 हो गई है। दोस्तों, जो हमारा बजट है, इसे मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग डिवाइड किया गया है, जैसे कि कृषि के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में और सड़कों के क्षेत्र में। इसी तरह हम इस वीडियो में अलग अलग कैटेगरी वाइज से देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कृषक अर्थव्यवस्था के हेतु मध्य प्रदेश का बजट। तो सिंचाई में विद्युत खपत के लिए सब्सिडी दी जाती है, ऊर्जा सब्सिडी, और इसके लिए मध्य प्रदेश का जो बजट है, इसमें 13,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और डिफॉल्टर कृषकों के ऋण के समाधान हेतु सहकारी बैंकों को अंश पूंजी के लिए 1,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इनके अलावा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसानों को सम्मान निधि के रूप में प्रतिवर्ष 4,000 रुपए दिए जाते हैं और इसकी सहायता हेतु बजट में 3,200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फिर फसल बीमा, जैसे कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उनके कारण जो फसलों का नुकसान होता है, इसकी भरपाई हेतु 2,000 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। और पशुपालन एवं गो संवर्धन आदि के लिए बजट में 1,491 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मत्स्य पालन के लिए विकास हेतु 97 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का बजट है। और प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के कंप्यूटरीकरण हेतु बजट में 80 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। और यूनिटी माल के माध्यम से प्राकृतिक खेती की उपज को बाजार में उपलब्ध भी कराया जाएगा, ये प्रावधान भी अभी बजट आया है उसमें किया गया है। और मोटे अनाज को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री मिलेट मिशन प्रारंभ किया जाएगा। और अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 5,520 करोड़ रुपए बजट में स्वीकृत किए गए हैं। और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा 5 हॉर्स पावर के कृषि पंप, थ्रेसरों तथा 1 बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदान करने के लिए बजट में 2,475 करोड़ रुपए बजट में स्वीकृत किए गए हैं। यानी कि 5 हॉर्स पावर का जो कृषि पंप होता है, इसे निःशुल्क विद्युत प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण तथा संसाधन के लिए 11,049 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2,001 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए।
और निवेश प्रोत्साहन योजना हेतु 1250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। सहकारी बैंकों को अंश पूंजी हेतु 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी कि जो सहकारी बैंक लोन देते हैं उनके लिए 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया और गहन पशु विकास परियोजना हेतु 845 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। उस सिंचाई में पेयजल योजनाओं का सौर ऊर्जाकरण हेतु 500 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। ये कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का बजट है। अब हम मध्य प्रदेश में जो उद्योग हेतु बजट जारी किया गया है उसके बारे में देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को निवेश प्रोत्साहन हेतु आर्थिक सहायता के लिए 1740 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देंगे और इसके लिए 20 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में उद्यमशीलता की संस्कृति को विकसित करने के लिए और अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करने के लिए बजट में 11 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा वर्तमान में मध्य प्रदेश में 51 इनोवेशन सेंटर स्थापित हैं और इनके माध्यम से स्टार्टअप को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। उस शासकीय भूमि पर उद्योगों को आकर्षित करने के उद्देश्य से ये आलू नहीं होगा अधोसंरचना का विकास एवं रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 22 एमएसएमई क्लस्टर भी कार्य विकसित किए जाएंगे। अब हम नगरीय विकास हेतु मध्य प्रदेश का बजट जो जो आवंटित किया गया है उसे देख लेते हैं। तो अमृत 2.0 जल प्रदाय योजना एवं सीवेज परियोजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु बजट में 371 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास शहरी परिवारों को जो शहरों में रहते हैं उन परिवारों को सुविधा युक्त आवास उपलब्ध कराने हेतु बजट में 2800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं देने हेतु नगरीय निकायों को अनुदान देने के लिए भी 8385 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल के परिचालन के लिए 710 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और स्वच्छ भारत के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में शौचालय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि के माध्यम से शहरों को स्वच्छ रखने के लिए 171 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, यानी कि मध्य प्रदेश में स्वच्छता के ऊपर 171 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और राज्य वित्त आयोग अनुदान के लिए 842 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब जनजाति विकास हेतु देख लेते हैं। जनजाति विकास हेतु मध्य प्रदेश के बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए? तो सीएम राय स्कूल के लिए बजट में 665 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और यह पैसा सिर्फ जनजाति विकास क्षेत्रों में ही खर्च किया जाएगा और जनजाति बहुल क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान हेतु 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट में आवंटन किया गया है। जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए जो छात्रवृत्ति दी जाती है इसमें 728 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं और बेगा भारिया और सहरिया जनजाति वर्ग की जो महिलाएं हैं इनके पोषण भत्ते के लिए हर महीने 1000 रुपए की राशि देने के लिए बजट में 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और देवारण्य योजना के लिए 10 करोड़ रुपए अलग से बजट में आवंटित किए गए हैं। साथ ही जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता हेतु 60 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए और ये जो 60 करोड़ हैं इन्हें 3 योजनाओं में खर्च किया जाएगा। जैसे इसमें भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना और जो टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना है इसमें ये 60 करोड़ रुपए को खर्च किया जाएगा। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु बजट में 122 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और पर्यटन स्थलों पर हवाई अड्डा एवं हवाई पट्टियों के विस्तार हेतु 80 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। साथ ही पर्यटन में व्यवसाय एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता हेतु 48 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। ये पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का बजट है और पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को स्थानीय आवास सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही जो पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश से परिचित कराने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं का विस्तार भी किया जाएगा। अब नारी सशक्तिकरण हेतु मध्य प्रदेश का बजट है।
वह भी देख लेते हैं। तो इस वर्ष बजट में महिलाओं के लिए 1,09,974 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है, इसके लिए 8,000 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए और इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए की राशि उनके खाते में जमा की जाएगी। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के लिए बजट में 2,191 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और पोषण आहार योजना के लिए 1,272 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। जो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना है, इसके लिए 929 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय देने के लिए 870 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री जो मातृ वंदना योजना है, इसके लिए 467 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए। इसके अलावा महिला स्व सहायता जो समूह है, इसके लिए 660 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। फिर समाज की वृद्धि एवं असहाय महिलाओं को आर्थिक सहयोग के रूप में जो 600 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं, इसके भुगतान के लिए बजट में 1,535 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और मध्य प्रदेश में जो कन्या विवाह एवं निकाह योजना है, इसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों को विवाह के लिए 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है और इसके लिए भी बजट में 80 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण देने के लिए भी सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और गर्भवती महिलाओं को प्रसव के पहले तथा प्रसव के पश्चात प्रसूति सहायता दी जाती है और इसके लिए मध्य प्रदेश में 400 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए। इसके अलावा गांव की जो बेटी योजना है और प्रतिभा किरण योजना, इसके अंतर्गत बेटियों के लिए स्कूल शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है और इसके लिए ये 83 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं महिलाओं को अनुदान अतिरिक्त ब्याज का भुगतान सरकार करती है। जैसे कि जो स्व सहायता समूह की महिलाएं होती हैं, उन्हें ब्याज दिया जाता है और उस ब्याज पर 2% ऋण सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसके लिए बजट में 660 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब युवा शक्ति के लिए मध्य प्रदेश का जो बजट है वह भी देख लेते हैं। तो युवाओं को उद्योग में अप्रेंटिसशिप के लिए स्टेप एड राशि उपलब्ध कराई जाएगी और इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। साथ ही मध्य प्रदेश का जो भोपाल है, यहाँ पर ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है। ऐसे ही अब ग्वालियर, सागर, जबलपुर एवं रीवा में भी अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्र यानी कि जो स्किल पार्क है, यह स्थापित किए जाना प्रस्तावित है और इनके लिए 450 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। और युवाओं को शासकीय सेवा के लिए 1 लाख पदों पर भर्ती भी किए जाने की घोषणा बजट में की गई है। मुख्यमंत्री उद्धव क्रांति जो योजना है, इसके अंतर्गत युवाओं को स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से जो ऋण है वह दिया जाता है और ऋण देने के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। और जो खेल विभाग है, खेल विभाग में बेहतर सुविधाएं देने के लिए भी 738 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। और स्वरोजगार योजनाओं हेतु बजट में 252 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किए गए। खेलो इंडिया जो एमपी है, इसके लिए बजट में 349 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और पर्यटन क्षेत्रों में कौशल विकास हेतु पर्यटन प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा जो वहां के स्थानीय लोग होंगे उन्हें भी प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि उन्हें भी स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। अब हम शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का जो बजट है वह देख लेते हैं। तो प्रदेश में मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना शुरू की जाएगी और इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 5,000 विद्यालयों में कक्षा 12वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के वाली बालिकाओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। यह योजना अब मध्य प्रदेश में शुरू होगी और पीएम श्री योजना के अंतर्गत मौजूदा स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए 277 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और उच्च गुणवत्ता एवं सर्व संसाधन युक्त विद्यालयों की अलग से स्थापना की जाएगी और इसके लिए 3230 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। 25 चिकित्सा महाविद्यालयों को क्रियाशील बनाने हेतु 400 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए।
साथ ही कौशल विकास हेतु संस्थाओं के भवन निर्माण किए जाएंगे और 734 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज निर्माण किया जाएगा और इनके लिए जो भवन निर्माण होगा इसके लिए 687 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में नए नर्सिंग कॉलेजों के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मतलब नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे और इनका निर्माण के लिए अलग से 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बजट में। अब हम ग्रामीण विकास में हेतु मध्य प्रदेश का जो बजट है वह देख लेते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत 7,331 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए जा चुके हैं। और आप कमेंट सेक्शन में अब ये बताएंगे कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए देश में पहले स्थान पर प्रमाणित हो चुका है। इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर करिएगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहीन परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 8,000 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। ग्रामों को मुख्य सड़क मार्गों से जोड़कर आवागमन की जो सुविधा है इसे प्रदान करने के लिए जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसके लिए बजट में 856 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। और ग्रामीण क्षेत्रों के परिवेश को स्वच्छ एवं निर्मल बनाए जाने हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रम के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यानी कि ग्रामीण स्वच्छता के लिए भी अलग से 300 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश का जो बजट है इसमें आवंटित किए गए। और ग्रामीण क्षेत्रों के युवक युवतियों को स्वरोजगार यानी कि खुद का कुछ भी काम करने का अवसर उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लिए 660 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 3,500 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। और मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहीन परिवारों को राज्य के संसाधन से आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अलग से 100 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए। यानी कि जो शहरी आवास योजना है वह अलग है और ग्रामीण योजना अलग है। उसके अलावा भी राज्य द्वारा ही संसाधन उपलब्ध कराकर उन्हें जो आवास है वह उपलब्ध कराया जाएगा, उसके लिए 100 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किए गए। और राज्य वित्त आयोग अनुदान के लिए बजट में 1,906 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब हम डिजिटल पहल हेतु मध्य प्रदेश का बजट देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर भोपाल का विस्तारीकरण किया जाएगा और इसके लिए 40 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास एवं निवेश को आकर्षित करने हेतु आईटी पार्क की स्थापना की जाएगी और इसके लिए 70 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन इकाइयों को सहायता देने के लिए भी 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और फेसलेस पंजीयन, जीआईएस, संपत्ति मूल्यांकन और सॉफ्टवेयर के माध्यम से कम अपोजिट मदिरा दुकान है इनका मॉडल भी लागू किया जाएगा। और डिजिटल भू अभिलेखों का जो अभिलेख है इसे भू स्वामियों को भूमि रिकॉर्ड के रूप में प्रदान किया जाएगा। साथ ही कोषालयों में पेपरलेस, फेसलेस और कॉन्टेक्टलेस लेन देन हेतु सॉफ्टवेयर का विकास भी किया जाएगा। और ईएपीएस और ई रूपिक के माध्यम से लाभार्थियों को भुगतान किए जाने का प्रावधान भी बजट में किया गया है। अब हम ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण हेतु जो मध्य प्रदेश का बजट है वह देख लेते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के उन्नयन के लिए 1,020 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। और सड़कों के सुदृढ़ीकरण हेतु बजट में 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। साथ ही ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों के उन्नयन हेतु 750 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क के अनुरक्षण और मरम्मत हेतु भी यानी कि नई सड़क बनाने के लिए भी 739 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और मुख्य जिला मार्गों के सड़क यानी कि जो जिले होते हैं इनकी जो मुख्य सड़क होती है इसके निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए और उनके नवीनीकरण के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में तो ऊर्जा के क्षेत्र में अपेक्षित सुधार के लिए 6,935 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और रिमेव्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में जो स्कीम है इसके लिए 3,526 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए। और अटल ग्रह ज्योति योजना हेतु 3,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश का बजट है यह देख लेते हैं। तो चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार कर नवीन चिकित्सालयों का निर्माण हेतु 2,337 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य संरचनाओं एवं चिकित्सक कर्मियों की व्यवस्था के लिए 3,996 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। और मध्य प्रदेश में अभी 2,055 MBBS की सीट हैं और इन्हें बढ़ाकर 3,605 किया जाएगा। और MBBS PG की जो सीट है ये 649 है और इसे बढ़ाकर 915 किया जाएगा। मध्य प्रदेश के बजट में ये घोषणा की गई है। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये देख लेते हैं आगे भी, तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है इसके अंतर्गत नवीन चिकित्सालयों के निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए। और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निर्धन नागरिकों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 953 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। अब धार्मिक स्थलों के विकास के लिए मध्य प्रदेश में बजट आवंटित किया गया है ये देख लेते हैं। तो वेदांत पीठ की स्थापना हेतु बजट में 350 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए वायुयान प्रबंधन के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यानी कि जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है अब तीर्थ यात्रियों को वायुयान के माध्यम से यात्रा करवाई जाएगी। और ग्वालियर में हिंदी भवन तथा अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक की स्थापना की जाएगी। और भारत भवन में कलाग्राम रामपायली बालाघाट में डॉक्टर जो केशव हेडगेवार है इनके नाम पर एक संग्रहालय बनाया जाएगा। और ये मैंने अभी आपको बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत अब तीर्थ यात्रियों को वायुयान के माध्यम से हवाई यात्रा सॉरी तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। और आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के माध्यम से आचार्य शंकर के जीवन दर्शन के प्रसार एवं आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना के लिए बजट में 350 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश का जो बजट 2023 है इसके बारे में डिस्कस किया है कि किस योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और जो ये जानकारी हमने डिस्कस की है ये मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उन पे जो भी सूचना या आंकड़े जारी किए गए हैं वही मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। इसके अलावा भी अगर और भी इसके बारे में कुछ जानकारी आती है तो उसके बाद में एक अलग वीडियो और भी ले आऊंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक तो जरूर कर ही दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।